जू। लेकिन फिर मम्मी जी को क्या बोलेंगे? मम्मी मैडम को क्या बोलना है यार, कह देंगे स्कूटर पे आ रहे थे, सामने केले का छिलका था, स्कूटर फिसल गया, हम दोनों गिर गए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, लेकिन गोपी, गोपी को तो अंदरूनी चोटें आई है और उसके पैरों ने तो जवाब ही दे दिया है, बस बोल देंगे और क्या। ओके। हेलो बॉयज। व्हाट्स अप बॉयज, चौकी होगी नहीं जाना है? अरे मैडम, हम तो स्कूटर पे बैठ के चौकी तो आ रहे थे, रास्ते में मैडम एक केले का छिलका आ गया और स्कूटर फिसल गया, हम दोनों गिर गए मैडम, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, आई एम ऑल राइट, लेकिन ये बेचारा गोपी, मैडम कितनी अंदरूनी चोटें आई है इसे और इसके पैरों ने तो जवाब दे दिया, चल नहीं सकता बेचारा, मैडम चक्कर आ रहे थे इसलिए थोड़ा मैं इसे खिला रहा था कि कुछ ठीक हो जाए ये। भैया सही बात है यार, एक तो गर्मी इतनी पड़ रखी है यार, काम वाम करने का जी नहीं कर रहा है, चौकी और केसिज। एक काम करते हैं यार, चौकी आ जाए तेल लेने, हैं? हम लोग निकल जाते हैं वहाँ हाईवे के बाजू में, वो जो झरना है ना पिकनिक स्पॉट, वहाँ पे सनीता ढाबा भी नया नया खुल रखा है, भाई वहीं चलते हैं, झरने किनारे चढ़ाई वगैरह लगा के बैठेंगे, गुलगुले तू और मैं जो है चिकन पाड़ेंगे मस्त, और ये बुढ़ऊ टिकाएगा अपना। गोपी के पैर ठीक हो गए मैडम, चमत्कार हो गया, पैर ठीक हो गए। अरे अरे चमेली डार्लिंग, रुक जाओ ना, रुक जाओ ना, अब के बरस सावन में। नहीं नहीं साधु डार्लिंग, तुम पहले ये बताओ कि बात कहाँ तक पहुँची है बेफालतू में। चमेली डार्लिंग, बात बहुत आगे तक पहुँच गई है, अब के बरस सावन में, वो जिसने तुम्हें प्यार में धोखा दिया है, बेवफाई का चौका दिया है ना, उसकी बीवी पुलिस स्टेशन तक पहुँच गई है, अब के बरस सावन में। फिर तो बहुत अच्छी बात है, अब तो उन दोनों के बीच में तलाक होकर ही रहेगा बेफालतू में। हाँ चमेली डार्लिंग, उस नवीन के दिल में मैंने ऐसा शक का बीज बोया है जिस पे सिर्फ तालाक के फल ही उग सकते हैं, अब के बरस सावन में। तुम कितने अच्छे हो साधु, मैं जो कहती हूँ वो करते हो बेफालतू में। चमेली डार्लिंग, ये सब तो मैं सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए कर रहा हूँ, एक बार उन दोनों में तलाक हो जाए, तुम्हारे दिल में जो बदले की आग है वो बुझ जाए, अब के बरस सावन में, उसके बाद तो तुम मुझसे ही शादी करोगी ना? ऑफ कोर्स डार्लिंग, ऑफ कोर्स, बेफालतू में। भैया यो मामला है तो मैडम सोच कह रही है, चलिए अरेस्ट करते हैं दोनों को। अभी नहीं। अरे अभी नहीं तो कब मैडम, आपके हैप्पी बर्थडे पे। मेरा मतलब है क्यों? या मॉम, Why not the arresting is the? सबसे पहले पता लगाना है कि वो नबीन इस छोरी ने जानता है कि नहीं, और इसे प्रेम में धोखा दिया है या नहीं। गोपी जी, जी मम्मी जी, छोरी का जरा फॉलो कर और इसकी एक फोटो खींच के ला, और गुलगुले नबीन को जरा चौकी में बुलवा, चलो। ए, 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 ए। क्या मैडम आप ये क्या बोल रही है, मुझे शक है। अरे शक की कोई गुंजाइश ही ना है, क्योंकि हमने जो है उस साधु को फॉलो किया था, ने, ने, ने। हैं? और सब पता लगा लिया है हमने, बीआर पुलिस। लेकिन मैडम वो लड़की मेरा और मेरी बीवी का तलाक क्यों करवाना चाहती है, मुझे शक है। वेल डूड्स, तुमने उस लड़की के साथ चैटिंग की है? अबे चीटिंग। या दिस वन। नहीं नहीं मैडम, ये दादाजी झूठ बोल रहे हैं। अरे मैडम मैं आज तक एक भी लड़की पटा नहीं पाया हूँ, मुझे शक है। ओ, अब तो मुझे भी शक है, क्यों भाई, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? यो फोटो देख, इस छोरी ने पहचाने तू? बस मैडम बस मैडम, इसके चेहरे के ये चिमगादड़ जैसे चौंकने के एक्सप्रेशन बता रहे हैं, चीख चीख के कह रहे हैं मैडम कि ये इस लड़की को जानता है। बस मैडम अब तो केस आईने की तरह साफ है, इस आदमी ने इस लड़की को धोखा दिया है, इस लड़की के साथ चीटिंग की है, इस जैसे वैशी दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए मैडम।
एक काम कर, इसका इस्तीफा साइन कर, हैं? ये आज से वकालत करेगा, इसकी यहाँ जरूरत ना है हमें। ओके, वेल गुलगुले माय फ्रेंड्स, प्लीज डू साइन इज द हेलो हाउ आर यू फाइन इज द सॉरी मैडम, सॉरी मैं तो यूं ही केस को। अबे सॉरी नहीं पहचानता, तू नहीं पहचानता? हाँ मैडम, ये इसका नाम चमेली है और मैं इसे जानता हूँ, मुझे शक है। नहीं, ये इसका राजा था और ये इसकी हीर, तभी तो चौके देख के इसकी तस्वीर। ओके बाय। अरे नहीं नहीं मैडम, ये बात गलत है मैडम। मैडम क्या है कि ये चमेली जो है ना, वो मेरी कंपनी में काम करती थी और मैडम ये मेरे पीछे पड़ गई थी कि मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। लेकिन मैं जानता था कि ये किस टाइप की लड़की है, इसलिए मैंने उसे शादी के लिए मना कर दिया था। मुझे शक है। तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हुई थी यार ये? तुम तो मेरे जैसे हैंडसम भी नहीं हो। पैसा मैडम, मेरे पास बहुत पैसे हैं, इसलिए लड़की पैसों की वजह से मेरे पीछे पड़ी थी। हाँ, क्योंकि ये पैसों की पुजारिन है, मुझे शक है। ओहो, यानी तैने इसे भाव नहीं दिया, किसी और के संग शादी कर ली, इसलिए वो बदला ले रही से। हाँ, कोई बात नहीं। गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। इस छोरी का कच्चा चिट्ठा मन ने अपनी टेबल पे चाहिए जल्द से जल्द। ओके। गुलगुले जी, उस साधु को इस चौकी में बुलवा कल। मॉम फिर से। मॉम, दिस इज द रिपोर्ट इज द लखनऊ में एयरपोर्ट अमौसी इज द। घुस ले फाइल में, काट ले फाइल ने। मैडम आप बिना एक नंबर की से है। बोली है, मैं तो वाह भैया, इस रिपोर्ट के अनुसार तो नवीन पांडे की कही हुई बात एकदम सही है। यो छोरी एक नंबर की तेज और चंच टाइप की छोरी से, चमेली। कहाँ है इसका चमेला? बात करो हमी, he is coming, okay, bye. Excuse me, madam. साधु शिव हरे हाजिर है। अब के बरस सावन में, बताइए क्यों बुलाया मुझे? भाई थारी आंखों में आई ड्रॉप्स डालेंगे। ये? अरे लेकिन मेरी आंखें तो बिल्कुल ठीक है। अब के बरस सावन में। रियली? आज ही ठीक होती आंखें थारी तो तैने यो दिखाई ना देता कि जिस छोरी के चक्कर में एक आदमी का तू घर बर्बाद कर रहा है, गृहस्थी में उसकी में आग लगा रहा है तू, हैं? ना उसकी बीवी से उसका तलाक करवा रहा है, वो छोरी कैसी है? एक मिनट मैडम, मैं कुछ समझा नहीं। कौन सी छोरी, कौन सी लड़की? Innocence, I tell you. यो देख, छोरी, चमेली। यो यार, जो कुछ भी सच है वो जरा खुल के मैडम के सामने उगल दो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का कड़ी पकौड़ा पक गया थोड़ा थोड़ा, तो हमारी मैडम एक नंबर की धासु दीपिका, मेरा मतलब है काइया कैटरीना, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? भैया ऐसा है, थारा पीछा करा था हमने फौलू, हैं? तो वहां जाके के देखा कि भैया तू तो किसी और के कहने पे कर रहा है यो सब, यानी कि उस छोरी के चमेली के। अब क्यों कर रहा है यो तू अपने मुंह से हमें बता ले, सो वी आर फ्रेंड्स। जी बता रहा हूँ मैडम, इसलिए किया मैडम क्योंकि वो नवीन पांडे है ना मैडम, उसने मेरी चमेली डार्लिंग को प्यार में धोखा दिया मैडम, अब के बरस सावन में। और मैडम चमेली डार्लिंग ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसका बदला नवीन से ले लूं मैडम तो वो मुझसे शादी करेगी मैडम,
वो मुझसे शादी करेगी क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है मैडम। हाँ यार, बॉयज आर सो वल्नरेबल और व्हाट। अबे बेवकूफ, थारे जो है अगल पे पत्थर पड़े हैं। प्यार व्यार कोई ना करती वो किसी से भी, सिर्फ पैसे से प्यार है उसे। अरे उस नवीन पांडे की कंपनी में काम करती थी वो कई साल, उसे अच्छी तरह बेरा है कि वो नवीन पांडे एक नंबर का सक्की आदमी से। नहीं नहीं मैडम, वो मुझसे शादी जरूर करेगी अब के बरस सावन में। तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? वो नवीन यहाँ पर आया था और उसने खुद हमें बताया कि ये लड़की तो नवीन के पीछे ऐसे पड़ी थी जैसे मोबाइल के पीछे बैटरी। और वो भी सिर्फ नवीन के पीछे नहीं, नवीन के पैसों के पीछे। और आज भी वो जो कुछ भी कर रही है वो नवीन के पैसों के लिए ही कर रही है। नहीं वेल ब्रो, हो जाओ ग्रो है? क्योंकि वो चाहती है कि नवीन अपनी बीबी से तलाक ले ले और उसके बाद तो उससे शादी कर ले। यू नो मैरिज इज द। नहीं नहीं देखिए, मैं ये सब नहीं मानता। मेरी चमेली ऐसी नहीं है। अब के बरस सावन में। हाँ भाई, ये अच्छा हुआ, वेरी गुड कि तू नहीं मान रहा है, क्योंकि हम अब मनवाएंगे। तू एक काम कर, जैसा हम कह रहे हैं तू वैसा कर, और फिर अपनी आंखों से देख दूध का दूध और पानी का पानी। क्लियर? ठीक है मैडम, अब के बरस सावन में। ओह बाप रे, चल साधु के नाम पे कलंक। हाँ जी, फोन लगा और जैसा हमने कही है वैसा बोल। जी जी जी। हेलो हेलो चमेली डार्लिंग, मुबारक हो, उन दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। अब के बरस सावन में जिसने तुम्हें धोखा दिया था ना, उसका दिल टूट गया है, घर छूट गया है। वो आज रात अपना घर छोड़ के नींबू पार्क गया है सोने के लिए। हाँ ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके बाय डार्लिंग, बाय। बोल दिया, वेरी गुड, चलो बालको नींबू पार्क। सोने हाय सॉरी कॉपी। हाँ जी जी मम्मी जी, वो नवीन को सब समझा दिया था ना? Yeah, mom. She is there. He is there. Hey. Yeah, this one. चल भाई साधु जी, तैने दिखाया थारी चमेली की असलियत, क्योंकि वो सुन के कि उस नबीन का घर छूटा है और दिल टूटा है और वो नींबू पार्क में है, वो उससे मिलने जरूर जाएगी। चल। नहीं आएगी। अब के बरस सावन में। इतना बेसुरा आदमी देखा आपने कहीं? जी लेकिन चमेली को बहुत पसंद है। चूरन है थारे मुंह में, चूरन है, है? नहीं नहीं, तो क्या चटकारे के ले रहा है, मिर्चा निकल गया है तू, तोता है? नहीं नहीं, ऐसी धीट है साला, एम्बेरेस भी ना होता ही वो कतई। हे भगवान, ये तुमने मुझे कैसी बीवी दे दी है, जिसने मेरे लाइफ के सिग्नल की लाल हरी पीली सारी बत्तियां एक साथ में ऑन कर दी। अरे जिसे समझा था मैंने अपनी लाइफ की शक्कर, उसका तो निकला किसी कमाल के साथ चक्कर। नहीं नहीं, अरे उससे अच्छा तो ये होता कि मैं उस चमेली के साथ शादी कर लेता जो मेरे पीछे हाथ मुंह और पैर धोके पड़ी थी। क्यों क्यों ठुकराया मैंने उसका प्यार, क्यों ठुकराया? काश काश वो यहाँ पे आ जाती तो मैं उसके साथ अब भी शादी कर लेता। लेकिन मुझे शक है।
नहीं होता ऐसा, कभी नहीं होता। अरे चमेली तुम यहाँ? हाँ नवीन, मैं ना यहाँ पर अपना अकेलापन दूर करने के लिए घूम रही थी बेफालतू में। तुम्हें देखा तो यहाँ आ गई तो ये सब सुना, और ये सब सुना तो मैंने सोच लिया कि कोई तुम्हारा हो ना हो, लेकिन मैं अब भी तुम्हारी हूँ। अब के बरस और तुम्ही से मैं शादी करूंगी और तुम्हारा घर फिर से बसाऊंगी बेफालतू में। क्यों खा गई ना झटका? ये चंद्रमुखी चौटाला का चक्रव्यूह है जिसमें तुम फंस चुकी हो। या बेबी, दिस इज द ऑल द प्लानिंग इज द गुड इवनिंग गुड नाइट मॉर्निंग इज द। चुप कर, देख लिया साधु अपनी चमेली को, इसकी असलियत को, या और कुछ देखना बाकी से? नहीं नहीं मैडम, सब कुछ देख लिया बस, और कुछ नहीं देखना है मुझे। आप सही कहती थी, ये एक नंबर की धोखेबाज है। अब के बरस सावन में हाय, और इसके चक्कर में मैंने नवीन जी के दिल में शक का बीज बो दिया। मुझे माफ कर दो नवीन भाई, मुझे मुझे माफ कर दो। अबे इससे क्या माफी मांग रहा है? माफी इसे मांगनी चाहिए सुसरे को? नहीं, यो आदमी बाहर वालों के कहने पे अपनी घरवाली पे शक कर रहे यो ना, उस घरवाली पे जो सब कुछ छोड़ के इसका घर बसाने इसकी बीवी बन के आई है घर में, न इसको एक बढ़िया सा खाऊ जो है भोंदू सा बच्चा पैदा करके दिया है। मैडम आप सही कह रही है, मैं ही गुनहगार हूँ। काश अगर मेरी पत्नी यहाँ पे आ जाए ना तो मैं उसके पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा, लेकिन मुझे शक है। अरे तो उसमें क्या है, तुम्हारी बीवी के पैरों को यहीं मंगवा देते हैं। मेरा मतलब है तुम्हारी बीवी को यहीं बुलवा लेते हैं। कम ऑन भाभी जी। हाँ भाभी जी को बाइक पे बिठा के ले जा घुमाने पार्टी में, भगा ले जा तू। प्लीज भाभी जी आओ जी। टमाटर महंगे हो गए पुरानी। ये आप क्या कर रहे हैं जी, मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया। टमाटर महंगे हो गए। अच्छा सुनिए, आप घर चलते हैं। टमाटर महंगे हो गए। वाओ, बज गया इसका बैंड और हो गया कहानी द हैप्पी एंड। अब कल आएगा एक नया केस, नई चकल्लस, नई टकरार, और एक बार फिर लिखी जाएगी FIR।